ओम शांति। एक समय था जब ये भारत देश सतोप्रधान भूमि स्वर्ग कहलाता था। यहां पर हर नर नारायण के समान और हर नारी लक्ष्मी के समान हुआ करती थी। तब प्रकृति भी बड़ी सुखदायी थी, जल सबको सुख दिया करता था, शुद्ध होता था, हवाओं में प्रदूषण नहीं होता था, वायु शुद्ध और सुगंधित होती थी। प्रकृति के हर एक तत्व सुखदायी हुआ करते थे, ये रोग शोक आदि भी नहीं हुआ करते थे। किंतु आज के परिवेश में हम देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य पतित बनता गया और जैसे जैसे व्यक्ति पतित बना, वैसे प्रकृति भी धीरे धीरे तमोप्रधान बनती गई। आज ये प्रकृति एकदम तमोगुणी हो गई है, दुखदाई हो गई है और अब हमें आवश्यकता है सब मिलकर ये संकल्प करें कि हमें अपने आप को भी पावन बनाना है और इस प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो प्रकृति को पावन बनाने के लिए सबसे पहले स्वयं का शुद्धिकरण और फिर प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशन देने की सेवा हम और आपको सबको करनी होगी। तो आइए थोड़ी देर हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम अपना शुद्धिकरण करके इस प्रकृति का शुद्धिकरण करें। अपने अंतःकरण में अपने मन को ले चलें, अर्थात इस बाहरी जगत को भूलकर थोड़ी देर अपने अंतर जगत में चल दें, अपने आप को देखें, आत्मनिरीक्षण करें, किस पांच तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इन सारी कर्मेंद्रियों का मैं मालिक हूं। मैं आत्मा रूपी मालिक अपने मन रूपी मंत्री का निरीक्षण कर रही हूं कि क्या मेरे संकल्प मेरी हद में है। कहीं मेरे संकल्पों में व्यर्थ तो नहीं है। क्या मेरी बुद्धि सही निर्णय करती है? क्या मेरे संस्कार जैसा मैं चाहती हूं वैसे ही है, या फिर संस्कार अपनी तरफ खींच लेते हैं? देखिए अपने आप को, अपनी बाहरी कर्मेंद्रियों की चेकिंग कीजिए और अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी चेकिंग करें। तो चेकिंग करने के दौरान अब मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है और अपनी सारी कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों पर सही नियंत्रण करके इन्हें पावन बनाना है। तो महसूस कीजिए वो सुप्रीम एनर्जी मेरे सामने है, वो सर्वशक्तिवान पिता मेरे सन्मुख है, उनसे सर्व गुण और सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझे मिल रहा है और वो प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। इन प्रकाश की किरणों के द्वारा मैं भगवान से सर्व गुण और शक्तियों को रिसीव कर रही हूं।
मुझ आत्मा का मनोबल बढ़ता जा रहा है, मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है और मैं अनुभव कर रही हूं कि ये प्रकाश की किरणें मेरे अंतःकरण तक पहुंच रही हैं, मेरे मन को शुद्ध, संकल्पों को शुद्ध बना रही हैं, मेरी बुद्धि की निर्णय शक्ति को बढ़ा रही हैं, मेरे संस्कारों को श्रेष्ठ बना रही हैं, मेरी ये सूक्ष्म इंद्रियां पावन बनती जा रही हैं, मेरी एक एक कर्म इंद्रिय परमात्म शक्ति का अनुभव कर रही है और एक एक इंद्रियां पावन बन रही हैं। अब मैं अनुभव कर रही हूं कि मुझ आत्मा से वो गुणों की तरंगे मेरे मस्तक से निकल निकल कर चारों तरफ फैल रही हैं। प्रकृति में दूर दूर तक वो प्रकाश की किरणें जा रही हैं और जहां जहां तक जा रही हैं, मैं अनुभव कर रही हूं कि प्रकृति पावन बनती जा रही है, शुद्ध बनती जा रही है। ये हवा प्योर होती जा रही है, इसकी अशुद्धियां नष्ट हो रही हैं, प्रदूषण समाप्त होता जा रहा है, आकाश तक ये तरंगे पहुंच रही हैं और वह भी शुद्ध बन रहा है। हरी भरी धरती पर भी ये गुणों और शक्तियों का प्रकाश में आत्मा बिखेर रही हूं, यह भी पावन बन रही है, सुखदाई बन रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों से तमो प्रधानता नष्ट होती जा रही है, सतो प्रधान संकल्पों से, सतो प्रधान प्रकृति का मैं आत्मा निर्माण कर रही हूं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि मेरी ये आत्मिक पावर, मेरी ये आत्म शक्ति ही, पॉजिटिव शक्ति ही एक सुंदर प्रकृति का निर्माण करेगी। और जब ये प्रकृति पावन होगी तो ये हमें दुख नहीं देगी, बल्कि दुखों को दूर करने वाली होगी। प्रतिदिन मुझे प्रकृति की सेवा करनी है, क्योंकि आज इसकी परम आवश्यकता है। ओम शांति, ओम